तो गाइस मैं आपका अपना दोस्त सूरज डल्लोड आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की हमारी वीडियो थोड़ी खास और इंटरेस्टेड है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगर आप ग्लास शॉपकीप करो, शीशे का काम करते हो तो उसको सक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप करो जिससे आपका बिजनेस ग्रो। तो गाइस आज बात करेंगे हम शीशे वालों के लिए, बात करेंगे ग्लास बिजनेस वालों के लिए और बात करेंगे वेंडर के लिए जो ग्लास फिटिंग करते हैं और बात करेंगे जो ग्लास का काम करते हैं, कहीं पे कारीगर हैं या फिर उनका अपना खुद का काम। एक सक्सेस बिजनेसमैन बनने के लिए, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए कई बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जिससे आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जहां पर आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंच चुके हैं। एक सक्सेस बिजनेसमैन बनने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कई बातों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है जिससे आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हो। तो कई चीजों का मैं आज टिप्स में बात करूंगा और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ग्लास से रिलेटिव ही हमारी इस चैनल पे वीडियो आती है और वीडियो आती ही रहेंगी। आज से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करेंगे और एक दुकानदार की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे। कुछ पॉइंटों में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है कि आपकी कमिटमेंट, आप जो बात कर रहे हो कस्टमर से क्या उस बात पे आप खड़े हो। अगर आपने उनको बोला दो दिन में काम खत्म हो जाएगा, क्या दो दिन में आपका काम खत्म हो गया? ये सबसे बड़ी जरूरी है, ये आपने समझना इस चीज को कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, अगर दो दिन का काम है तो तीन दिन लेकर चलो, उससे आपकी कमिटमेंट बनी रहती है, आपकी जो जुबान होती है वो बनी रहती है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है रिलेशन, कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। अगर कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा बन रहा है तो कस्टमर वो अगेन भी आएगा, दोबारा फिर आएगा। अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन खराब हो गया तो कस्टमर सेकेंड टाइम नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में आपका कैसा रिलेशन था, क्या कमिटमेंट थी आपकी, उससे बहुत डिपेंड करता है। जो अगला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है स्टॉक। आप स्टॉक कैसे कर रहे हो, आप जो आप अपना शीशा रख रहे हो, ग्लास रख रहे हो, हार्डवेयर रख रहे हो, उसका स्टॉक कैसे कर रहे हो और उसको स्टॉक को मैनेज कैसे कर रहे हो। जितने का आपने स्टॉक डाला था उसको आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, आप उसका पूरा सिनेरियो बना रहे हो, ये भी आपका बहुत बहुत डिपेंड करता है। तो ये इसका भी बहुत आप ध्यान रखो कि कितना हमारे पास स्टॉक था और कितना हमारे पास स्टॉक रह गया और कितना हमने बेच दिया और कितना का स्टॉक आया था और कितने का प्रॉफिट आया। तो अगला जो हमारा ऑप्शन आता है कि कस्टमर को आप जो रेट दे रहे हो वो आप कॉस्ट निकाल के दे रहे हो या कोस्ट टू कोस्ट दे रहे हो। कई बार क्या होता है ग्लास में मार्जिन बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, तो आप उसका पूरा कैलकुलेशन करके चलो कि इतने में हमें ये बारह खाता है या नहीं खाता। ये मत देखो कि 1,00,000 रुपए का काम है, ये मत देखो कि 5,00,000 रुपए का काम है, ये मत देखो कि 10,000 रुपए का काम है। तो सबसे पहले अपना कैलकुलेशन निकाल के चलो कि इतने रुपए में ये काम हो जाएगा और इतने रुपए हम कस्टमर से लेंगे तो इतना हमें बेनिफिट होगा, अगर कोई मिस हैपनिंग भी होती है तो उसमें भी हमें खर्चा ना पड़े। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है आपसे। तो गाइस कुछ ये टिप्स हैं और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी सिर्फ इसी कैलकुलेशन को लेके ही आएगी और आने वाली हमारी सारी वीडियो ग्लास बिजनेस पे ही आएगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।